हम लोगों को बाहर से काफ़ी संख्या में बल मिला है। अभी तक कहीं भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। भागलपुर में सुरक्षा के मद्देनजर अग्निपथ योजना को लेकर आज बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से मुस्तैद। नजर आ रहा है। उप जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा के किए गए इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया और कई दिशा निर्देश सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दिए गए। जिले में 500 अतिरिक्त बल मंगाए गए हैं। वहीं हर एक चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद वह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी संपत्ति या जानमाल के नुकसान पहुंचाने को लेकर अगर किसी तरह की कार्यवाही प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जाती है तो इसको लेकर सभी थानों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम सिंह ने। अग्निवीर योजना लागू होने के बाद भारत में हर जगह पे ट्रेनों में आग लगाई गई, कहीं पे स्टेशनों में तोड़फोड़ किया गया छात्रों के द्वारा, और इसी के दौरान आज के आम दलों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में कांग्रेस भी है और राजद भी है। तो आज हम अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में भी खरी की जगह है, जो भागलपुर जिले के नवसिया पुलिस जिला के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ भी गोलियां चलानी पड़ी पुलिस को, वहाँ के छात्रों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो आज अगर ये देखें हम तो भागलपुर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई उपद्रवी होकर के गाड़ी ना तोड़े या कोई क्षति नहीं पहुँचाए। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको सारी घटनाओं को वापस कराएंगे या फिर आज बंद का हुआ क्या है। भागलपुर से श्यामल तो अभी तक कहीं भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है और आज दिन भर अलर्ट रहेगा, ये डिप्टेशन आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जैसे कल भी पीसफुल रहा उसी तरह से आज भी जो है शांति व्यवस्था बहाल रहेगी और कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। हम लोगों को बाहर से काफ़ी संख्या में बल मिला है और जिला का आंतरिक एकत्रीकरण से भी पूरा बल आज इकट्ठे करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए उपयोग किया जा रहा है। शहर के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से लेकर सभी सरकारी प्रतिष्ठान, सभी जगह बल की और दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या समूह या ग्रुप जो है अगर सरकारी संपत्ति या लोगों के जान माल के नुकसान को नुकसान पहुँचाता है तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए। श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ, सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।